नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहां पे, तो एक रेडमी का Y2 फ़ोन है, Y1, ये Y2 है जो कि आप देख सकते हैं यहां पे। ये MI अकाउंट लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पे, और ये रेडमी का Y2 फ़ोन है। मैं इसका टेस्ट पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आप यहाँ से मॉडल से भी सर्च कर सकते हैं। तो बस इसकी मैं इजीली ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अगर आप जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको इजीली तरीके से कैसे इसकी MI अकाउंट आप हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी है। ये रेडमी का Y2 मॉडल है, Y2, और मैं इसका टेस्ट पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। मैंने फ़ोन को खोला हुआ है तो मैं आपको इसका टेस्ट पॉइंट दिखाना चाहूँगा। मैं स्क्रीन में एक पिक के थ्रू भी आपको इसका टेस्ट पॉइंट दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप जो तो तीन डॉट देख रहे हैं, तीन डॉट्स पे जो ऊपर के दो डॉट्स हैं वो है इसके आइडियल टेस्ट पॉइंट। आपको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप जाकर इसको टेस्ट करके आइडियल टेस्ट पॉइंट बना सकते हैं और इसी तरीके से इसकी आप MI अकाउंट रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने आपको जो भी एक फ़ोन था रेडमी का Y2 मॉडल है जो कि हमने आपको दिखाया हुआ है। तो इसकी बहुत इजी तरीके से हम इसकी MI अकाउंट हटाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम UMT से फ्रेंड इसको हटाएंगे, UMT का QC फायर टूल लेंगे। तो QC फायर को हम ओपन करते हैं फ्रेंड, और जब तक हमारा यह टूल ओपन होता है तो मैंने हमेशा बोला है कि आपको डिवाइस मैनेजर को भी हमेशा साथ में खोल के चलना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा फ्रेंड्स कि हमारा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, ये हमारा डिवाइस मैनेजर भी ओपन हो चुका है और इसीलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए सब फटाफट आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे जब तक वो हमारा टूल ओपन हो रहा है। तो अगर आपने हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे हमारे जो वीडियो हैं आपके करंट के वीडियो, जो भी हमारे वीडियो टेक्नीशियन लाइन में, आपको तुरंत मिलेंगे फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमारे आपको हम हर एक नए कंटेंट ला के देते रहें फ्रेंड्स। तो हमारे ये टूल ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें रीड एंड टूल पे हमें जाना है, सिंपली हमें यहाँ पे Xiaomi स्पेशल में जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेट MI अकाउंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेट MI अकाउंट लिखा हुआ है। तो अब हमें रिसेट MI अकाउंट पे क्लिक करना है, इसे यस कर देना है। अब फ़ोन को सिंपली कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि आप वहाँ पे टेस्ट पॉइंट, जो कि हमने टेस्ट पॉइंट आपको दिखाया हुआ था, आपको उस टेस्ट पॉइंट पे टच करना है। और आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी टेस्ट पॉइंट शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ट पॉइंट शो हो रहा होगा। तो आप उसको टेस्ट करके अपना आइडियल पॉइंट बना सकते हैं। तो देखिए, हमारा कॉलकॉम पोर्ट बना लिया है और फ़ोन हमारा लोडर एक्सेप्ट हो चुका है, लोडर एक्सेप्ट हो गया है, डन हो चुका है, सेंडिंग लोडर डन हो गया है। तो फ्रेंड्स, यही हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा जब कभी भी आप फ़ोन को कर रहे हो फ्रेंड्स, तो हम अपना डिवाइस मैनेजर हमेशा खोल के रखें, जिससे कि आपको ये ड्राइवर पता चलते रहे कि ड्राइवर हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। इन्हें हाई स्पीड ड्राइवर चाहिए UMT को। MI अकाउंट ऑथ अकाउंट डाटा इरेस हो रहा है और ये सिंपली तरीके से हमारा डाटा रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रिपेयरिंग डाटा डन हो जाएगा अभी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। रेडमी वहाँ पे S2 दिखा रहा है पर ये Y2 है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ रेडमी का ये Y2 फ़ोन है। और प्रिपेयरिंग डाटा हो रहा है फ्रेंड, हमारा MI अकाउंट जो है वो तो रिमूव हो चुका है। रिस्टार्टिंग MI अकाउंट, अब यूज़र डाटा फॉर्मेटिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आते हैं। तो हमारा सिंपली तरीके से हो चुका है। अब मैं फ़ोन को डिसकनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे सारी चीज़ें करके कि हमारा MI अकाउंट रिमूव हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने फ़ोन को, वही फ़ोन है जो कि हमने आपको फ़ोन दिखाया हुआ था,
यहाँ पे हमारा सब रिसेट डन हो चुका है, सब कुछ डाटा हमारा अकाउंट डन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा, हमने उसको बूट, फर्स्ट बूट पे जाएगा। अभी एंड्रॉयड लिख करके नहीं आ रहा है, अभी एंड्रॉयड लिख करके आएगा फ्रेंड्स। ये बूटिंग में थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये देखिए बूटिंग चालू हो गया हमारा, एंड्रॉयड करके आ गया, मतलब हमारा फर्स्ट बूट स्टार्ट हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो हम इसे लास्ट तक दिखाएंगे कि इसके EMI अकाउंट जो थी वो रिमूव हुई कि नहीं हुई फ्रेंड्स। तो अगर ये फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितना प्यार आपका मिलेगा उससे कई ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ इस चैनल में, स्मार्ट टेलीकॉम चैनल में। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से Y2 का हमने यहाँ पे MI अकाउंट रिमूव किया है। अब इसकी सक्सेसफुल देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैं आपके सामने प्रैक्टिकल लाइव बनाता हूँ, ना कि कोई फेक वीडियो मैं अपने चैनल में डालता हूँ। और जो भी हमारे कंटेंट होते हैं जेनुइन कंटेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा और उसके बाद मैं आपको सारे प्रोसेस करके दिखाऊँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इजीली तरीके से MI अकाउंट रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से यहाँ पे इनेबल, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि यहाँ पे FRP भी लग सकता है फ्रेंड। अगर इसमें FRP लगता है तो मैं सिंपली तरीके से फिर से प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें FRP लगा है, तो आपको FRP भी रिमूव करके दिखाऊंगा। और अगर FRP नहीं लगी होगी फ्रेंड तो डायरेक्टली फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। तो गाइज इसमें FRP भी लग सकती है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट हो रहा है। अब यहाँ पे स्किप करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट करने के बाद अगर इसमें FRP लगती है फ्रेंड तो हम इसके FRP भी हटाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, मोर एक्सेप्ट। और ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं एक सेंसर चेक करने का बहुत एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, कि आपका सेंसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये अभी थोड़ा सा अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है फ्रेंड्स। बस आपको दिखाना है जो मेरा मेन बेसिक था, आपका MI अकाउंट, जो कि MI अकाउंट रिमूव हो चुका है 100%। आपका MI अकाउंट रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर MI अकाउंट होता तो कोई भी टैब आगे काम ही नहीं करता, कोई भी टैब आगे नहीं काम करता फ्रेंड्स। अगर अब यहीं पे पता चल जाएगा, अगर इसमें MI अकाउंट लगा होगा फ्रेंड्स तो ये बैक हो जाएगा। अगर अगर इसमें FRP लगी होगी तो बैक हो जाएगा, और FRP नहीं लगी होगी तो ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो अगर इसमें FRP लगती है तो FRP भी इसकी रिमूव करेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी FRP भी रिमूव करने वाले हैं अगर FRP लगी तो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो फ्रेंड इसमें FRP भी लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें FRP भी लगी हुई है। तो हम इसकी FRP भी रिमूव करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने फ़ोन का जो अपने Y2 का था उसमें हमने, आपने देखा कि उसमें हमने MI अकाउंट तो हटा दिया, बट उसमें फ्रेंड FRP भी लगी हुई है। तो फटाक से हम जाते हैं फ्रेंड्स, अपना मॉडल ले लेते हैं, Xiaomi अपना ब्रांड ले लेंगे, Xiaomi अपना ब्रांड ले लेंगे, ये हमारा Xiaomi है। उसके बाद हम अपना जो मॉडल है Y2 ले लेंगे। यहाँ पे S2 भी है और Y2 भी है, तो डिटेक ही S2 कर रहा था, Redmi S2, पर ये मॉडल Y2 है तो हम S2 अगर डिटेक कर रहा है तो S2 भी ले सकते हैं, Y2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो डिटेक किया है वो S2 डिटेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये Y2 है, और चलिए ठीक है। अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, रिसेट FRP ओके कर देंगे फ्रेंड्स। और फिर से वही सेम प्रोसेस आपको वो दो पॉइंट पे टच करके और फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे वेटिंग फॉर USB आ चुका है। अब यहाँ पे मैं टेस्ट पॉइंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और अब मैं USB केबल को इन इन करूँगा। तो सिंपली अगर नहीं होता है तो फिर से आपको कनेक्ट करना है, और देखेंगे हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। और वहाँ पे पोर्ट भी बना चुका है, रिस्पॉन्स वेटिंग हो चुका है। अब हमारा जो FRP है वो भी रिसेट हो जाएगा बहुत ही सिंपली तरीके से। तो इसीलिए हमने कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाते, आपके सामने जो भी वीडियो बनती है सब जेनुअन बनते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारी वीडियो, जो भी वीडियो बनती है आपके सामने लाइव के साथ हम वीडियो को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे
हमारा एफ आर पी रिसेट बहुत ही ईजी तरीके से हो चुका है, जो कि 1 मिनट के अंदर। अब हम डाटा को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर से आपको उतना प्रोसेस आपको नहीं दिखाएंगे, बस लास्ट स्टेप पे ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा एफ आर पी रिमूव हुआ कि नहीं, क्योंकि पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वहाँ पर जा करके आप लास्ट एंड पे जाऊँगा और उसके बाद फिर वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाऊँगा कि हमारा जो एफ आर पी था वो रिमूव हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड, मैं लास्ट पे आ गया हूँ और बस इसे नेक्स्ट करेंगे। अब ये स्टार्ट सिंपली, क्योंकि हमने इसकी एफ आर पी जब एम आई अकाउंट हटाई थी तो एफ आर पी भी था। अब यही मैं आपको लास्ट दिखाना था कि हमारा वो एफ आर पी रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपली तरीके से हमारा एफ आर पी रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स। ये वही फ़ोन है जो इसमें एम आई अकाउंट लगा था और इसमें एफ आर पी भी लगी थी फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बहुत इजीली तरीके से ये हमारा हो चुका है और ये सारी चीज़ें हो गई है। तो आई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।